ये ब्रीफकेस देखो, इसके अंदर इतना सारा गहना है। इसे जब्बर भाई को देने के लिए खास कंदन ने कहा है। उसने कहा है कि वहाँ जो पठान लोग है ना, पठान लोगों के पिताजी के हाथों से हाथों में देने के लिए कहा है। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत, जब्बर भाई क्या पठान के पैसों पर जिंदगी काट रहे हैं। मैंने कहा उसकी क्या जरूरत, उनका दिल तो बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ये लीजिए प्लीज। जब्बर भाई, ये पठान लोग कौन है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो बाप बेटे मिलकर इस कॉलोनी पर राज करना चाहते हैं। और कुछ भी वो बता रहा था, उनके बारे में बहुत कुछ बढ़कर बता रहा था, लेकिन मैंने सुना वो बोलबचन है। कन्नन को लॉटरी में मिला पैसा ही लूटना उनका काम है, ऐसा मैंने सुना है। अरे क्या तू जानता है कि हम लोग कौन है? जब्बर भाई के दोस्त। मुझे मार क्यों रहे? वो लोग हम ही हैं। वो पागल आप ही लोगों, मुझे पता नहीं था। अबे हमारी बेइज्जती करेगा तो तुझे जिंदा गाड़ देंगे, समझे? मुझे कुछ भी मत करो भाई। नहीं करेंगे पागल, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई तुम तो समझाओ। खुशबू इसे मार देंगे, इस पागल को छोड़ेंगे नहीं। तेरे तो हिल पलक हक भी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अलिफ फालिफ ई नहीं आदि हिंतो। अरे बिसार जा। आई बा आई शुफ कुछ नहीं। अभी तुम लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि तुम लोग हाथी के जैसे बड़े हो, लेकिन दिमाग तुम्हारा बिल्कुल गधे की तरह छोटा सा है। हमें गधा काटते हैं। अरे तुम लोग उसे मत मारो, मैं हूँ ना मारने के लिए। आ जाओ। लोगों ने मेरे होंठ पढ़ दिए, मैं मार खा के थक चुका हूँ, अब और नहीं खा सकता। अलग पैसे दे दूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो वाही वाही अला होती भैया हूँ। अरे छोड़ दो। यासीन भाई, यासीन भाई आप यहाँ दुकान पर बैठे हैं, पहले चलिए मेरे साथ। क्या है? हमारे कन्नन का दोस्त शारजा से आया है। कन्नन का दोस्त? हाँ। अभी वो कहाँ पर है? वहाँ पे वो मार खा रहा है। कौन मार रहा है? पठान के लोग। मरार दू। क्या भाई आज नया मुर्गा? हाँ नया मुर्गा। यासीन, जीसस जीसस द लॉर्ड, कन्नन ने मुझे इस बॉक्स में जेवर देकर आपको देने के लिए भेजा है। मैं कुवैत को चुन्नी, मैं जा रहा हूँ, बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ये पठान लोग और ये अरबी मुझे मार मार कर मेरा कचूमर निकाल दिया। मुझसे मिलने आया है, इसे मारा मतलब मुझे मारा। फालतू में नहीं मारा, पठान के आदमियों की बेइज्जती की इसलिए मारा। अगर फिर से बेइज्जती करेगा तो सिर्फ इसे ही नहीं तो मैं भी मारूंगा, इसको भी मारूंगा, सबको मारूंगा, और अकेला नहीं इनके साथ मिलकर मारूंगा अरबी में। चलो भाई, ये लोग बहुत खतरनाक है, बहुत मारते हैं। ले जाओ और इसका इलाज करो, हमें बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। ज्यादा उछलो मत कैप्टन। कैप्टन अच्छा हुआ कि लफड़ा होने से रोक लिया, अगर जो एक बार लफड़ा हो जाता तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता, समझे? अरे बेटा, अरे क्या कर रहे हो? इसे हाथ लगाओगे तो अपने हाथ गंदे करोगे। किसी भी तरह इनके दस्तखत ले लो, कल जहां मिलना है मैं बाद में बता दूंगा। चलो भाई, तुम्हारे लिए मैं हूँ, चलो। सब मिलाकर 500 तोला हो सकता है। 500? इसमें 744 तोला है, एक पॉइंट भी कम नहीं है। मेरी बात सुनो, आप कुंजी को चोर मत कहो। वो कन्नन पूरी तरह से फटी पुरानी हालत में आया था यहाँ पर, उससे पहली बार मैं मिला, वो खाना यहीं पर खाता था, उसे सामने खड़ा करो, सब कुछ बताएगा। ये चेक है क्या? ये चेक नहीं, शारजहां ने भेजा, वो सब सही है बोलकर साइन कर दो। अब देखना क्या साइन कर दो। ला दो। हाँ ये। अरे इस पर साइन मत करना। इसमें साइन करने में क्या तकलीफ है? देखो कन्नन हमारा लाडला है, इसकी साइन की बहुत कीमत है, ऐसे ही थोड़ी साइन करके देंगे। आप साइन करके नहीं दोगे? मैं कन्नन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, जिनको मुझ पे विश्वास नहीं मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। रुक जाओ, चलो इसे साइन करके दो। ये लो। ये क्या, ये तो सांप के जैसा। मैं ऐसे ही साइन करता हूँ।
तो ऐसा साइन करके कन्नन सारजा तो गया। साइन। मैं कुछ समझा नहीं भाई। भाई भाई अरब से आया है ना, हुआ इसीलिए परेशान हो गया है। अभी सोने दो इसे। मुझे माफ कर देना माँ, मैं दोनों को मिलाकर नेक काम करना चाहता हूँ और आपको सब पता है, ये भी मैं जानता हूँ। इन सब के लिए मुझे माफ कर देना। आशीर्वाद दो, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो ना माँ। ओह आई एम सॉरी, भूल गया था। बेटा खुश रहो। कृष्णा, हे मेरे गुरुदेव, सब काम अच्छी तरह से होना चाहिए। ये किसने फोड़ा? तेरी सुअर की तो? नहीं नहीं मैंने नहीं फोड़ा। मैं तो यहाँ खड़े खड़े छुप कर देख रहा था। अंदर क्या चल रहा है? आप खुद ही जाकर देख लीजिए ना। चल तुझे बताता हूँ। सिरियत कदीजा सकलमान मुस्लिम तक्दिन रहमान वलद बिन मुस्तफा अल्फितर कुर्बान शुक्रान जनाब करनन कनारन कुमारन। ये क्या है? अरे गधे कहीं के, ये अरबी है। इसका मतलब क्या है वैसे? इसका मतलब क्या है? हाँ मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझ पर ये रहम किया है। थोड़ा देना। मेरे यहाँ पर आने से आपकी बहन और मेरी माँ बहुत ही खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। करण कादरन और कुमार बहुत ही भले लोग हैं। बस ये लेटर पोस्ट करो और सुनो इसे कवर में डालकर एड्रेस डालकर भेज दो। हाँ, पर इसमें कुछ परेशानी है। इस लेटर को पोस्ट करने से पहले आप सबके साइन इस पर जरूरी है। क्या होगा? तभी तो शेख हमारा अकबर अली को पता चलेगा कि आपने धर्म बदला है। वह कौन है? मेरे पापा, पिता, मेरा बाप शारजा शेख। शारजा शेख वही जो जूस की दुकान में मिलता है ना। ये क्या कह रहा है? साइन करेंगे लेकिन तुम्हें पिताजी से बात करनी होगी। हम साइन करें या चाहे खाना खाए, हम पिताजी से पूछ कर ही करते हैं। ऐसे नहीं। सही कहा। चलो हम पिताजी से बात करते हैं। नहीं, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। दुश्मन से दोस्ती करके अपनी दुश्मनी खत्म नहीं करेगा, ये बात पठान जानता है। पहले तुम्हारे बाप को यहाँ आने दो मेरे सामने और इस शारजा कॉलोनी के लोगों के सामने तुम्हारी माँ के पैर पकड़कर और नाक रगड़कर माफी मांगेगा। अगर मेरी बेटी ने माफ कर दिया तो मैं माफ कर दूंगा। इसे पकड़ो। ये तो पठान।